तो राजधानी भोपाल में एक बार फिर गैस रिसाव हुआ, जिससे भगदड़ मच गई। ईदगाह हिल्स फिल्टर प्लांट में क्लोरीन गैस सिलेंडर का रिसाव होने से ऐसी स्थिति बनी हुई है और इसको देखते हुए प्रशासन ने नाला किनारे के 150 घरों को खाली करा दिया। आज इन इलाकों में वाटर सप्लाई भी बाधित रहेगा। वहीं तेज दुर्गंध से आसपास रहने वालों की आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ जैसी परेशानियां हो रही हैं। लोगों ने हंगामा किया तो यहां निगम और जिला प्रशासन के अफसर पहुंचे। लगातार तेज दुर्गंध और इससे आंखों में आंसू और सांस की तकलीफ देखते हुए घरों को फौरी तौर पर खाली कराने का निर्णय लिया गया। वहीं इनको पास के ही एक कम्युनिटी हॉल में शिफ्ट किया जा रहा है। वहीं बताया ये भी जा रहा है कि लीक हुए सिलेंडर का वजन 900 किलो था और इसे पूरी तरह से खाली होने में लगभग 2 दिन का समय लग सकता है। इस हादसे के साथ ही यूनियन कार्बाइड गैस कांड की यादें ताजा हो गई हैं। लोगों में वही भगदड़, वही जान को खतरा और लोगों में कुछ ऐसे लक्षण भी पाए गए जो उस दौरान हुए गैस कांड में पाए गए। बुधवार की देर शाम से ही जो है क्लोरीन का रिसाव जो है वो देखने को मिला राजधानी भोपाल के मदर इंडिया कॉलोनी में। फिल्टर में जो क्लोरीन लगाया गया था, उसके बाद जो है हम गुरुवार की सुबह उनके घर पे पहुंचे हैं। जो लोग इससे प्रभावित हुए हैं, हमारे साथ यहाँ पर जो रेवासी मैडम, अभी जो है वर्तमान में क्या स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, जो क्लोरीन गैस रिसाव हुआ था, कितने लोग यहाँ पे प्रभावित? अच्छी आई हो, देखो आँख में, देखो लाल हो रही, लाल हो गई आँख, ऐसी नीचे बैठे रहे, घबरासी, थोड़ी घबरासी हो रही हाथ पे, ऐसे चक्का आ रहा है, दिमाग दिमाग से चक्का ऐसे आ रहा है। डॉक्टर को दिखाया अभी? अभी नहीं दिखाया है डॉक्टर। कितने लोगों को यहाँ से जो है भर्ती किया गया? 18 से 20 लोग समथिंग सब गए हैं। वो तो अचानक जब पूरी बस बच्चे 18 बच्चे और भी ज्यादा बहुत सारे पीड़ित हुए हैं। कम से कम अगर पूरी बस्ती खाली हुई तब जाके पुलिस वगैरह अधिकारी सब आए हैं। जब पता चला सबको, जब जाके सबको इकट्ठा करा, फिर एम्बुलेंस बुलाया गया, जो भी करा है, लेकिन सब चक्कर से, बिल्कुल कोई चक्कर से बेहोश हो रहा, कोई वो किसी खांसी हो सी। पानी सप्लाई जो बाधित हो गई, कह रहे हैं कि पानी पीने से ही डिसॉल्व होगी ये पूरी तरह से, पानी सप्लाई नहीं आ रही, तो आपको क्या क्या समस्याएं झेलना पड़ रही? कब तक का जो है आश्वासन दिया गया कि फिर से पानी जो है रूटीन की तरह यहाँ आएगा? सर अभी तो कुछ पता नहीं है कब तक पानी आएगा। वो रात भर पूरी हम जगाड़ करें, हमने खुद करी पुलिस के साथ में जगाड़, और खांसी चली और आंखों में मिर्ची की तरह जलन मची है। ये हुआ पूरी रात, अभी तक हम जग रहे हैं। कुछ लोग 8-10 लोग हमारे सामने गए, उनको हॉस्पिटल भेजा गया है जी। तो ये जो यहाँ के रहवासी हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अभी भी जो है उन्हें जो गैस का रिसाव है उसका महसूस यहाँ पर हो रहा है। कैमरा पर्सन अश्विनी गौर के साथ दीपक द्विवेदी, भोपाल। इधर रायपुर में शराब के शौकीनों ने एक बार फिर से सभी को चौंका दिया है। रायपुर ने पिछले साल का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है और अब 30% ज्यादा शराब केवल दिवाली के 2 दिनों में ही रायपुर वासियों ने पी है।